चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जंजेरी द्वारा निर्मित पेरा हाउस क्लब अपनी पहली लघु फिल्म अर्थात शॉर्ट फिल्म प्रस्तुत करने जा रहा है। क्योंकि शिक्षा का प्रथम बीज संस्कारों के रूप में परिवार से ही पनपता है, इसलिए आज हम परिवारों पर आधारित शॉर्ट फिल्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी कहानी दो परिवारों की है, परंतु उनमें फर्क सिर्फ एक ही शब्द का है, और वो शब्द है वक्त। जहां एक तरफ एक ऐसा परिवार है जिसकी शुरुआत सुबह 4 बजे मुर्गे की आवाज से होती है। दादी उठते ही ईश्वर को याद करते हुए अपने बेमिसाल तजुर्बे से दिन की शुरुआत करती है। वहीं दूसरी ओर आज के वक्त के परिवार सुबह 7 से 8 बजे स्मार्टफोन के अलार्म से दिन की शुरुआत करते हैं। कई बार तो अलार्म को शांत भी कर दिया जाता है ताकि 15 मिनट और सोया जा सके। वक्त में थोड़ा पीछे चले तो देखेंगे कि बच्चे सुबह 4 से 7 बजे तक पढ़ते थे, जिनकी शुरुआत माँ द्वारा दिए गए दूध के ग्लास से ही होती थी। घर की परंपराओं को निभाने वाली गृहिणियाँ बड़ों को आदर और छोटों को प्यार देते हुए घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। आज के वक्त में मेल मिलाप तो है, परंतु सिर्फ मुख पे। बड़े हो या फिर छोटे, सभी में संबंध दोस्तों और सहेलियों जैसा है। बेटे और बहू घर से जाते हुए मिलते तो हैं, मगर सिर्फ एक दोस्त की तरह। बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं और पूरा समय स्मार्टफोन के साथ ही गुजारते हैं। माँ के टोकने पर भी पीठ पीछे मोबाइल पे ही रहना पसंद करते हैं। पहले के ज़माने में जहाँ गृहिणियाँ मात्र एक घर तक सीमित रहती थी, वहीं आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर और बाहर दोनों संभालती हैं। पहले की बात करें तो सास द्वारा दिए गए निर्देशन का अच्छे से पालन हो या फिर जेठानी द्वारा देवरानी को दी जाने वाली नसीहत, ये सब दिखाता था कि पहले के परिवार रूढ़िवादी तो थे, परंतु उनमें बड़ों के लिए आदर और छोटों के लिए प्यार भी ज़रूर था। वहीं आज काम पर जा रहे बेटे और बहू के लिए नाश्ते का इंतज़ाम माँ द्वारा होता है। पहले बेटे जाते वक्त बूढ़ी माँ को कंधा देते हुए सेवा भाव से दिन की शुरुआत माँ के आशीष से करता था। जब कोई दोस्त घर आता है, बड़े भाई द्वारा छोटी बहन को नाश्ते के इंतज़ाम के लिए बोलता है, तब बहन स्वयं ही मुँह पर मना कर देती है। लेकिन आज सब आत्मनिर्भर हैं। दोस्त रेडी फूड के जरिए नाश्ते गाते हुए 2 मिनट में पकने वाली नूडल से नाश्ता कर लेते हैं। पहले जब थका हारा पति घर आता था तो उसको बिना कुछ बोले ही सब कुछ तैयार मिलता था। वहीं आज जब पति और पत्नी ऑफिस से थक हार के घर आते हैं और उनको खाना बनाने के लिए बोला जाता है, तो उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना होता है। आज का परिवार अलग अलग बैठ कर अपनी जिंदगी में व्यस्त है। रिश्ते अलग अलग हैं, परंतु उनकी दोस्ती एक अलग सी है। इनमें अलग खाना हो या फिर बच्चों का बाहर पार्टी करना हो, हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सा परिवार सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि सही और गलत तो दोनों ही हैं। लेकिन 100 बात की एक बात, परिवार परिवार होता है, और वो परिवार ही है जो मुश्किल समय में साथ रहता है। इसलिए अपने परिवार को सदा साथ रखें। अगर आपको हमारी फिल्म अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।